और चलिए बात करेंगे ट्रेंडिंग न्यूज की। दिल्ली में हुई बारिश की वजह से दिल्ली का हाल बेहाल है। जगह जगह वाटर लॉगिंग होने की वजह से कई इलाके ऐसे जहां पर लंबा लंबा जाम लग गया, लोग अपने दफ्तर के लिए लेट हो गए। इतना ही नहीं, दिल्ली में मूसलाधार बारिश के चलते लोग बेहाल दिखे, घुटनों से ऊपर तक कई इलाके ऐसे जहां पर पानी भर गया। अब आपको दिल्ली एनसीआर की 8 तस्वीरें सबसे पहले दिखाते हैं ट्रेंडिंग न्यूज में। कौन कौन से इलाके, कौन कौन सी जगह है जहां पर पानी लबालब भर गया। दिल्ली की सड़कें टापू बन गई, सैलाब बन गई, भारी बारिश से दिल्ली में हाहाकार। आज कई ट्रेंडिंग तस्वीरें, कई तस्वीरें ऐसी जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली किस तरह से बन गई दरिया, स्लम एरिया से लेकर पॉश इलाके तक, बंगलों से लेकर बस्तियों तक, कैसे दिल्ली की सड़कें पानी पानी आज हो गई, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माननीयों के घर तक में पानी घुस गया, लुटियन जोन दिल्ली का, वहां पर भी पानी बहुत ज्यादा। कर्तव्य पथ, नोएडा, कनॉट प्लेस, आईजीआई एयरपोर्ट, टर्मिनल 1 जहां पर हुआ है बड़ा हादसा, एक की मौत हो गई, 8 लोग घायल भी हो गए। आईटीओ की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, मूलचंद, साकेत मेट्रो स्टेशन, साथ ही साथ दिल्ली का अरबिंदो मार्ग, सभी जगहों पर लोग परेशान बहुत ज्यादा नजर आए। कर्तव्य पथ पर आप देखेंगे पहले विंडो में तस्वीर, कई फीट तक पानी भर गया कर्तव्य पथ पर भी। नोएडा, दिल्ली से सटा नोएडा, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर की बात करें, नोएडा हो, गुरुग्राम हो, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सभी जगहों पर वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या पहली बारिश में आज मॉनसून की बनकर उभरी है। कनॉट प्लेस के भी यही हाल। इसके अलावा आईजीआई एयरपोर्ट, टर्मिनल 1 में एक हिस्सा गिर जाने की वजह से छज्जा, हादसा बड़ा हो गया। कई जो फ्लाइट्स हैं वो डाइवर्ट करनी पड़ी हैं, कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं, कुछ को रद्द भी करना पड़ा है। तो सड़कें पूरी तरह से पानी पानी आज दिल्ली की हो गई हैं। पहली ही बारिश ने दिल्ली एनसीआर में प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। ग्राउंड पर अब आपको लिए चलती हूं, मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता आरजू सेठ जुड़ गई हैं। आरजू, सुबह 5 बजे से लगातार नॉनस्टॉप बारिश हुई, इनफैक्ट कुछ इलाकों में तो सुबह 3-4 बजे से बारिश का ही जो सिलसिला शुरू हुआ था वो कई घंटों तक उसी तरह से जारी रहा, जाम से 2-4 बहुत ज्यादा लोगों को होना पड़ा। अभी लेटेस्ट 2-2.5 बजे का अपडेट क्या है, सड़कें जहां पर पानी भर गया था, पानी वहां से हटा है क्या? देखिए, आपको बता दें अभी की फिलहाल अगर अपडेट दे तो तस्से मस जो है वो पानी आईटीओ का तो फिलहाल नहीं हुआ है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आईटीओ पे है और तस्वीरें अगर आपको यहाँ पे दिखाएं तो देख सकते हैं किस तरीके से घुटनों तक पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है। किस तरीके से देखिए, अगर आप ट्रैफिक देखेंगे तो सिर्फ एक साइड जो है वो ट्रैफिक निकल रहा है क्योंकि दूसरी साइड पूरा पानी जो है वो घुटने तक भरा हुआ है। जिस तरीके से हालात राजधानी में इस वक्त बन गए हैं वाकई में बहुत खतरनाक है ये। जिस तरीके से आसपास बिजली की तार है उन, क्योंकि जान का भी खतरा जो है इससे साफ तौर पर हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है अपने टू व्हीलर्स को लेकर यहाँ से निकल रहे हैं, पैर ऊपर रख लिए हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलें जो हैं वो लोगों को सहनी पड़ रही है और एक हिम्मत जो है वो कहीं ना कहीं जुटानी पड़ रही है और वो हिम्मत जुटा के ही आगे जो है वो बढ़ पा रहे हैं। फिलहाल कुछ लोग हैं उन, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, कितनी मुश्किलें हो रही हैं, पूरी तरफ हर तरफ पानी पानी है, बहुत मुश्किल हो रही है। मुझे उधर जाना है, कब से वेट कर रहा हूँ, इतना पानी जाम हो गया, डर लग रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है, डर लग रहा है, हिम्मत नहीं हो रही, गाड़ी ना बंद हो जाए। पिछले साल भी ये था, इस साल भी यही है, यही ना, हर बार का यही है, यहाँ पे कुछ इंतजाम ही नहीं हो रहा है, बंदोबस्त ही नहीं हो रहा है। देखिए लोग परेशान हैं इस चीज से। देखिए एक पीछे की अगर तस्वीर भी आपको दिखाएं तो वो बाइक देखिए किस तरीके से रुक गई है बीच रास्ते में और यही डर जो है वो लोगों को सता रहा है कि अगर वो निकलेंगे तो कहीं ना कहीं जो बाइक है उनकी गाड़ी है वो बीच रास्ते में बंद हो जाएगी। मैम कितनी समस्या है, कितनी दिक्कत है, VIP एरिया है ITO और यहाँ पर ये हाल देखने को मिल रहा है। ये तो हर साल का ही काम है ना, रोज़ तो होता ही नहीं है, ना सरकार कुछ करती है ना डिपार्टमेंट कुछ करता है, ये तो हर साल होता है। पिछले साल जब बाढ़ आई थी तब भी तो हुआ था ना, तब भी लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ आपसी लड़ाई पे ध्यान है इन लोग का। और अभी तो कुछ घंटों की बारिश ने ये हाल कर दिया है।
अभी तो पूरा सीजन देखिए, फिर वही बाढ़ वाला सिचुएशन होगा जो लास्ट ईयर हुआ था। आम पब्लिक को प्रॉब्लम है, इनको अपने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पब्लिक परेशान, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ अपना बनना चाहिए, अपना होना चाहिए, पब्लिक की परेशानी से इनको कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर लोग जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। वो कह रहे हैं कि राजनीति खुद देखने को मिलती है दिल्ली में, हर दूसरे दिन धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ जाते हैं, कहीं पानी की समस्या, हरियाणा से पानी नहीं दिया जा रहा है, और पिछली बार भी जब हमने इस तरीके की बाढ़ वाली परिस्थिति देखी थी तो ये कहा जा रहा था कि हरियाणा से पानी रिलीज कर दिया गया है। आज कौन सा पानी रिलीज हुआ है, इसके जवाब भी कहीं ना कहीं हम लोग आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनसे लेंगे, सरकारों से लेंगे जो जिम्मेदार हैं इन सिचुएशन की, कि आखिर इस तरीके की सिचुएशन जब बनती है तो पहले से काम क्यों नहीं किया जाता है। भैया आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है, पूरी सड़क पे पानी भरा हुआ है। ये तो आप भी देख पा रहे हैं, बहुत पानी भरा हुआ है, परेशान है लोग बहुत ज़्यादा, सुबह से ही परेशान है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इधर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा, परेशान तो लोग हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। क्या लग रहा है, क्या वजह है कि नाली वाली की सफाई नहीं होती है एरिया में, क्योंकि ये तो VIP एरिया है, इनकम टैक्स का ऑफिस है, यहाँ पानी निकालने की कोई व्यवस्था ही नहीं है कोई, यहाँ पे पानी सुबह से निकलता तो शायद पानी कम भी हो जाता है यहाँ पे, लेकिन पानी नहीं निकल पा रहा है यहाँ पे, पानी बहुत ज्यादा हो रहा है निकालने का कोई साधन नहीं है। बिल्कुल दिल्ली की जनता वगैरह कोई मशीन नहीं आई, और दिल्ली की रफ्तार पर इस बारिश ने ब्रेक सा लगा दिया है। आम लोगों से भी आरजू बातचीत कर रही हैं और लोग बता रहे हैं कि कितनी समस्याएं, कितनी परेशानियां उनके सामने इस वक्त हैं। मैं शुभ राणा का रुख कर लेती हूँ, मेरे साथ शुभ भी हैं, शुभ, शशि थरूर, आतिशी भरतरी मेहताब, साथ ही साथ राम गोपाल यादव, ये वो नाम मैं बता रही हूँ उन माननीयों के जिनके घरों में भी पानी घुस चुका है। लुटियंस जोन जो है, जो लुटियंस इलाका है दिल्ली का, वहां पर भी पानी पानी सब हो गया है बताया जा रहा है। कौन कौन से और कितने ऐसे इलाके जो कि प्रभावित हुए हैं इस बारिश से? जी देखिए अंजलि, बिल्कुल राजधानी दिल्ली की सड़कें वो दरिया बन चुकी हैं जहां सबको बह के जाना है। इस वक्त आपने लुटियन जोन की बात की और देखिए ये वही रास्ता है जो दिल्ली सचिवालय को जोड़ता है, दिल्ली सचिवालय जहां आम आदमी पार्टी के और दिल्ली सरकार के कई बड़े नेताओं की बैठक होती है, और ये रास्ता आगे जाके कश्मीरी गेट को भी कनेक्ट करता है। यहाँ का अगर हाल मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए ये जो 4 लेन की रोड थी, महज 1 लेन पर जो है वो वाहन चल रहे हैं, और आप देख सकते हैं लोगों को लिहाजा तकलीफों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। और देखिए ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि पिछले 10 सालों में मॉनसून इसी तरीके से आता है और हर बार ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। आप तस्वीरों में देखेंगे एक स्कूटी वाला जो है वो किस तरीके से अपनी स्कूटी बीच सड़क से लेके जा रहा है, इसमें ये नहीं पता कि कौन सा गड्ढा खुला है, किस गड्ढे में किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। बसों की सिचुएशन देखिए अंजलि, किस तरीके से यहाँ बसेस चल रही है, सिर्फ 1 लेन में चल रही है। और देखिए अंजलि, ये मॉनसून का सीजन हर साल आता है, लिहाजा हम हर साल यहां खड़े होकर ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, लेकिन सिचुएशन तस की मस नहीं बदलती। और ये तो वो रास्ता है अंजलि जो पॉर्श दिल्ली के एरिया को कनेक्ट करता है, इसके साइड में ठीक रिंग रोड है जो दिल्ली सहित तमाम ऐसे इलाकों को कनेक्ट करता है, फिर चाहे बात नोएडा की जाए, लेकिन यहां की ग्राउंड जीरो की तस्वीर, राजधानी, देश की राजधानी की तस्वीरें अपने आप में कई बड़े सवाल उठाती है अंजलि। और बात अभी अपडेट की बता दें तो आपातकालीन बैठक भी दिल्ली सचिवालय में चल रही है, जिसमें मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और तमाम जो MCD के मेंबर्स हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं और लगातार इसी बात का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सौरभ भारद्वाज ने भी ये बात कही थी कि 1936 से लेकर अब तक ऐसा हैवी रेनफॉल नहीं हुआ, तो अगर ये रेनफॉल एक्सपेक्टेड था, क्योंकि IMD भी लगातार येलो अलर्ट बता रहा था, लेकिन अगर ये अगले 2 दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि ये मुसीबत की बारिश, आफत की बारिश सिर्फ आज तक की नहीं बल्कि और 2-3 दिन इसी तरह से बारिश की समस्या से 2-4 होना पड़ेगा। गर्मी से जरूर रहा दिल्ली NCR वालों के लिए, लेकिन वाटर लॉगिंग ने बड़ी मुसीबत बढ़ा दी है। आप दोनों मेरे साथ बनी रहिएगा, आपके पास आऊंगी मैं एक बार फिर से। अब आपको आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की ओर से क्या कहा गया है दिल्ली में हुई बारिश के बाद, मौजूदा जो हालात हैं उन पर वो सुनवाते हैं एक बार। सांसद चंद्रशेखर जी हमारे साथ हैं, सर सदन फिर स्थगित कर दी गई है, हंगामा नीट के ऊपर भी हुआ, क्या कहेंगे? ये हंगामा की नौबत इसलिए आई है क्योंकि एक बहुत बड़ी लापरवाही है जिसका खामियाजा जो है बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि नौजवानों को भविष्य का खिलवाड़ नहीं चाहिए, युवा देश की रीढ़ है, अगर युवा परेशान है तो फिर जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ सत्ता गंभीर रहे तभी जाके बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि रोजगार की समस्या जनता के सामने बड़े पैमाने पर है, स्पेशली नौजवान जो है सुसाइड कर रहा है, तो एक बड़ा विषय उसको देखना पड़ेगा। साथ साथ मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हो, जाति और जनगणना हो और
पुरानी पेंशन बहालो, इस पर भी सरकार से हमें जवाब मांगना है। जिस तरह से कास्ट एट्रोसिटी हो रही है दलितों पिछड़ों पे, आदिवासियों मुसलमानों पे, इस पर भी हमें सरकार जवाब मांगना है कि हम लोग पार्लियामेंट में और सरकार जवाब मांगे। सर नीट के मामले पर सरकार कहती है कि वो तो सीरियस है और वो काम भी कर रही है। सर ये किसकी सरकार में ये घोटाले हुए ये भी बताना चाहिए, किसकी सरकार पेपर लीक हो रहे हैं, पुलिस का हो, पटवारी का हो, सेक्रेटरी का हो, दरोगा का हो, तमाम जो 69 शिक्षक भर्ती घोटाला किसकी सरकार में हुआ, स्टेट में, यूपी में भी इनकी सरकार, सेंटर में भी। तो अगर ये गंभीर है तो हुआ कैसे, जब ये पेपर नहीं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे। सर दिल्ली में थोड़ी सी बारिश के बाद जो हालत है उस पर क्या कहेंगे? ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का विकास है जो जनता के सामने है, और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े जो है आयोजन कराए जाते हैं, लेकिन बुनियादी सच यही है कि अगर एक बारिश हो जाएगी तो दिल्ली के लोग जो है समय से अपने परिवार के पास में नहीं पहुंच पाएंगे, मुझे आने में 3 घंटे लगे, ये दिल्ली की यातायात व्यवस्था का और बारिश के बाद दिल्ली का। चंद्रशेखर भैया, मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो देखिए मानसून की हुई पहली